ट्रैक्टर ट्राला पलटने से हुई एक व्यक्ति की मौत, ट्रैक्टर चालक हुआ गंभीर रूप से घायल। नमस्कार, एफटी लाइव में आपके साथ मैं हूं सिमरन कौर। जनपद मुजफ्फरनगर के रामराज थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले टिकोला शुगर मिल के पास गन्ने से लदे एक ट्रैक्टर ट्राला में पीछे से आ रहे एक ट्रक ने अचानक से टक्कर मार दी, जिससे ट्रैक्टर पर सवार एक युवक की ट्रैक्टर के नीचे दबकर मौत हो गई, तो वहीं ट्रैक्टर चालक गंभीर रूप से घायल हो गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने मृतक के शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है तथा घायल चालक को अस्पताल में भर्ती कराया है, जहां पर उसका उपचार चल रहा है। बताते चले कि गुरुवार को नरेंद्र पुत्र फूल सिंह निवासी समाना रामराज अपना गन्ने से लदा ट्रैक्टर ट्राला लेकर टिकोला शुगर मिल जा रहा था। चालक नरेंद्र के पास उसका एक साथी सुमित्र पुत्र धर्मवीर निवासी मीरपुर तखावली भी ट्रैक्टर पर ही बैठा हुआ था। जैसे ही नरेंद्र अपना ट्रैक्टर ट्राला लेकर मेरठ पौड़ी मार्ग पर स्थित शुगर मिल के समीप पहुंचा, तो पीछे से आ रहे ट्रक ने उसके ट्राले में टक्कर मार दी, जिसके बाद ट्रैक्टर ट्राला पेड़ से टकरा गया और पलट गया। ट्रैक्टर ट्राला पलटने से ट्रैक्टर पर बैठे युवक सुमित की ट्रैक्टर ट्राला के नीचे दबने से मौत हो गई और ट्रैक्टर चालक नरेंद्र गंभीर रूप से घायल हो गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने जेसीबी मशीन की मदद से सुमित के शव को बाहर निकालकर उसे पोस्टमार्टम के लिए मुजफ्फरनगर भिजवा दिया। वहीं घायल चालक नरेंद्र को उपचार के लिए एक अस्पताल में भर्ती कराया गया। घटना की जानकारी मिलने से मृतक सुमित के परिवार में कोहराम मचा हुआ है। वहीं रामराज थाना प्रभारी अक्षय शर्मा का कहना है कि घटना के बाबत अभी पीड़ित परिवार की ओर से कोई तहरीर नहीं आई है। तहरीर आते ही आरोपी ट्रक चालक के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। यूएफटी लाइव के लिए प्रवीण उपाध्याय की रिपोर्ट।